हेलो दोस्तों स्वागत है आपका नरियाल इंग्लिश क्लासेस में तो मैं आज बिल्कुल लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके साथ शेयर कर रहा हूं और ये फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम जो हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में होने हैं उससे संबंधित है और इसमें नौवीं से बारहवीं तक की जो डेट शीट है उसके बारे में हम बात करेंगे लेकिन उससे पहले हम इसके जो की पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं दी मोड टू कंडक्ट फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम बिल बी थ्रू ऑनलाइन इन केस द स्कूल क्लोज़र कंटिन्यूज एंड ऑफलाइन इफ़ स्कूल रीओपन फॉर सिलेक्टेड क्लासेस तो नौवीं से बारहवीं तक के जो बच्चे हैं उनके एग्ज़ाम ऑनलाइन भी हो सकते हैं और ऑफलाइन भी लिए जा सकते हैं इसमें साफ लिखा है अगर स्थिति ठीक रही तो अगर स्कूल खुल जाते हैं तो एग्ज़ाम ऑफलाइन होंगे अगर स्कूल बंद ही रहते हैं तो फिर एग्ज़ाम जो हैं वो ऑनलाइन कंडक्ट किए जाएंगे एग्जाम की जो ड्यूरेशन है वो तीन घंटे रहेगी और इसमें जो एक विशेष बात कही गई है वो आप यहाँ पर इस पॉइंट में देख सकते हो रेशो द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन विल बी इन द परसेंटेज फोर्टीज टू सिक्सटी यानी कि इस बार फोर्टी परसेंट क्वेश्चन जो हैं वो एम सी क्यों पूछे जाएंगे और एक जो महत्वपूर्ण बात इसमें कही गई है वो ये है कि जो क्वेश्चन uh, पेपर है वो हर घर पाठशाला के माध्यम से आएंगे और थर्टी परसेंट रिड्यूस्ड सिलेबस एज अनाउंस्ड बाय हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन इन ट्वेंटी ट्वेंटी बिल अप्लाई फॉर दिस एकेडमिक ईयर आल्सो यानी कि जो पिछले साल थर्टी परसेंट सिलेबस रिड्यूस किया गया था वो इस बार भी सिलेबस वही रहेगा उसमें कोई बदलाव नहीं है यानी कि थर्टी परसेंट रिड्यूस सिलेबस जो है वो इस बार भी नहीं आएगा तो दोस्तों ये थे कुछ की पॉइंट्स आप देखते हैं फर्स्ट टर्म एग्जाम की डेट शीट नौवीं और बारहवीं क्लासेस के लिए तो सबसे पहले बात करेंगे नौवीं और दसवीं क्लास की डेट शीट की तो इसमें यहाँ पर इसको आप स्क्रीन शॉट लेकर भी नोट कर सकते हो फोर सितंबर को इंग्लिश का है सिक्स सितंबर को साइंस सात को सोशल स्टडी आठ को संस्कृत नौ को कंप्यूटर और ड्राइंग, और दस को हिंदी और तेरह तारीख को मैथ्स का पेपर जो है वो रखा गया है मैथमेटिक्स साइंस इंग्लिश सोशल साइंस ड्राइंग एंड संस्कृत और कंप्यूटर ड्राइंग तो इन सब्जेक्ट्स के लिए नौवीं और दसवीं की जो डेट शीट है वो सेम है उसके बाद ग्यारहवीं और बारहवीं की डेटशीट की बात करते हैं तो सबसे पहले देखते हैं हम आर्ट्स स्ट्रीम तो आर्ट्स स्ट्रीम की डेटशीट में चार सितंबर को पॉलिटिकल साइंस सिक्स सितंबर को इंग्लिश सात सितंबर को हिंदी आठ को इकोनॉमिक्स नौ को हिस्ट्री दस को कंप्यूटर साइंस और तेरह को जियोग्राफी का पेपर रखा गया है इसके बाद साइंस स्ट्रीम की डेट शीट चार को फिजिक्स छः को इंग्लिश सात आठ की छुट्टी रहेगी नौ को बायोलॉजी दस को कंप्यूटर साइंस तेरह को केमिस्ट्री और चौदह को मैथमेटिक्स का पेपर रखा गया है और इसके बाद कॉमर्स स्ट्रीम के लिए चार को बिजनेस स्टडी छः को इंग्लिश सात को छुट्टी रहेगी आठ को इकोनॉमिक्स नौ को छुट्टी रहेगी दस को कंप्यूटर साइंस और तेरह को अकाउंटेंसी का पेपर रखा गया है तो इस तरह ये तीनों ही स्ट्रीम कवर हो गई इंग्लिश का पेपर जो है वो छः तारीख को तीनों ही स्ट्रीम का रहेगा इसके बाद ये कहा गया है कि 18 सितंबर से पहले पहले यानी कि 13 को पेपर ख़त्म हो रहे हैं तो पाँच दिन के अंदर अंदर आपने आंसर शीट जो है वो स्कूल में जमा करवा देनी है और 18 से 26 सितंबर तक यानी कि आठ दिन मिलेंगे तो इसमें आपकी जो आंसर शीट हैं वो एवेलुएट की जाएंगी टीचर्स के द्वारा तो दोस्तों ये था बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट जो फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम से संबंधित मैंने आपके साथ शेयर किया इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और पढ़ सकते हो आई होप यू लाइक इट थैंक यू